सौरभ जी का भी एक प्रश्न है यहाँ पे कि कुंद कुंदाचार्य देव पूज्य पाद स्वामी विदेह क्षेत्र जाते थे, बात सही है क्या? हाँ, इनके बारे में आती है कथा, पूज्य पाद स्वामी भी विदेह क्षेत्र गए थे। हाँ देखो, दिख रही है आपको स्क्रीन? कुछ कौन सी स्क्रीन दिख रही है? एक मिनट, हाँ तरुण, कौन सी स्क्रीन दिख रही है तुमको? ये पीपीटी की, तत्वार सूत्र की पीपीटी दिख रही है ना? हाँ बहुत बढ़िया, इसमें कितनी चीजें लिखी है। पाद बोलो नाम क्या? छह लिखी है इसमें। नाम, रचयिता, प्रमाण, निमित्त, हेतु और मंगलाचरण। ये छह बातों का ज्ञान अपने को हमेशा होना चाहिए। क्या कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करना हो तो इन छह बातों का ज्ञान होना चाहिए। अब ये छह बातें कौन बताएगा? इन छह बातें इस जो है इस पे लगाना है आपने को, किस पे? इस ग्रंथ पे। ग्रंथ अपन प्रारंभ कर रहे हैं तो ये छह बातें आपको इस ग्रंथ पे लगाना है। बोलिए अनिता जी। ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश, रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी, और ग्रंथ का परिमाण 51 श्लोक, और निमित्त भवेजीमों के कल्याण हेतु, और हेतु दो प्रकार से, मतलब हेतु और मतलब और मंगलाचरण। मंगलाचरण दो दिए हुए हैं, एक आशाधर जी का मंगलाचरण है और एक पूज्यपाद स्वामी। मतलब पूज्यपाद स्वामी के लेंगे अपन, आशाधर स्वामी का तो टीका का मंगलाचरण है, मंगलाचरण तो मूल पूज्यपाद स्वामी के लिए। हेतु क्या है? देखो इसमें यदि अपन टीकाकार की तरफ से बात करें तो उन्होंने हेतु दिया है कि मैं अपने आत्म संवेदन के लिए इस ग्रंथ को रच रहा हूँ। किसके लिए रच रहा हूँ? अपने आत्म संवेदन के लिए, है ना? और ये क्यों रच रहा हूँ, किसके निमित्त से? तो भव्य जीवों के लिए कहा कि भव्य जीवों के लिए रच रहा हूँ। अभी आगे और अपने ग्रंथ में मूल जब अपन ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे तो उसमें वो स्पष्ट हो जाएगा कि इसका जो निमित्त है वो कौन है। निमित्त ये भी होता है कि हम किसके लिए रच रहे हैं ये ग्रंथ। यहाँ तो जनरल किसी का नाम नहीं है तो सामान्य सब भव्य जीवों के लिए रच रहे हैं, और कहीं कहीं स्पेसिफिक नाम आता है कि भाई हम इस व्यक्ति के लिए ये ग्रंथ रच रहे हैं। जैसे परमात्म प्रकाश जो ग्रंथ है वो पूज्यपाद परमात्म प्रकाश ग्रंथ को योगिंदु देव ने प्रभाकर भट्ट के निमित्त से रचा था। क्या ऐसी जो ज्ञानार्णव ग्रंथ है वो शुभचंद्राचार्य ने अपने भाई भर्तृहरि के निमित्त से रचा था, तो कौन के निमित्त से वो ग्रंथ रचा गया है? दूसरा, उस ग्रंथ के रचने का हेतु क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ उन्होंने हेतु बताया कि हम अपने आत्मा का संवेदन करें, ये हमारा हेतु है। हमें अपने आत्मा का संवेदन हो, आत्मा का अनुभव हो, आत्मा का रसा स्वादन करे और सुख शांति को प्राप्त करे, ये हमारा हेतु है। और मंगलाचरण तो यहाँ पर ने बताया, ये ग्रंथकार का मंगलाचरण और आ जाएगा। ठीक, हाँ अल्पा जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, पहले का उठा। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी पांचों बातें आगे इसमें, है ना? बहुत बढ़िया, अपन मूल इस पे आ जाते हैं। निज आत्म स्व संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके, मंगलाचरण में हुआ ना, परमात्मा को नमस्कार किया। मंगलाचरण क्यों करते हैं? हाँ ये भी चीज आएगी, मंगलाचरण क्यों करते हैं? किसी को मालूम है मंगलाचरण क्यों करते हैं?
हाँ बोलो अभिषेक। कार्य संपूर्ण हो और बिना व्याधा के, व्याधा के संपूर्ण हो, ऐसा इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, निर्विघ्न कार्य की समाप्ति हो इसलिए। और भी पूछते हैं अपन लोगों से, और क्या बोल रहे हैं लोगों। अनिता जी बोलिए, अनिता जी भोपाल। सर वो ही बोल रही थी कि अपना जो कार्य शुरू किया है वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और कोई? हाँ खड़े करने वाले तो बहुत सारे। बोलो प्रीतेश। मेरा भी यही था, था निर्विघ्न कार्य संपन्न हो बस, इसीलिए मंगलाचरण करते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं वो उसमें रत्नकरण शावकाचार में दिया उसका, और हेतु भी कि वो अपनी शायद वो मेरे को पूरा याद नहीं है, पर है दिया उसके बाद भी दिया मंगलाचरण के। दूसरा पंडित जी मैं पूछ रहा था, ये आशाधर जी वही है जो अमृतचंद जी के गुरु थे? आशाधर जी अमृतचंद्र जी के गुरु थे कि नहीं थे, ये एक रिसर्च का विषय है, कुछ लोग बोलते हैं लेकिन कोई प्रामाणिक बात नहीं है। मैंने तो मेन उसके लिए आता नहीं, ये कोई उपता तथ्य नहीं है ये, मतलब ये कुछ लोगों की ऐसी ऐसी खोज करी हुई बात है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से एस्टेब्लिश तथ्य नहीं है। चलो अमन बोलो तुम। क्या अच्छा इसमें इसमें जो भी इष्ट देव रहते हैं उनको नमस्कार करते हैं और एक प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी हम बात कहने जा रहे हैं वो संपन्न हो, मतलब मंगलाचरण में नहीं, करते क्यों है, मतलब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो हमारा हम उसको पूरा करें कार्य को, उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। बोलिए अनिता जी। शिष्टाचार के परिपालन के लिए भी करते हैं। और उमा उमा के सब एक ही बात बोल रहे हो। एक और है इसमें थोड़ा उनके को एक बात हो गया, आदि मध्य और अंत मंगल वो तो सब ठीक है, आदि मध्य तो नहीं, बराबर सबसे बड़ी बात है नास्तिकता के परिहार के लिए। हम यदि इष्ट देव को नमस्कार करते हैं तो उसका मतलब है कि नास्तिक, हम नास्तिक नहीं है, हमने किसी देव को नमस्कार किया है, हम किसी देव को मानने वाले हैं। दूसरा ये है कि ये शिष्टाचार परिपालन होता है ना पूज्य पुरुषों के उपकार स्मरण के लिए, जिन्होंने हमको सिखाया है हम पहले उनको याद करके और फिर अपनी बात चालू करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भ्रष्ट होकर हमने अपनी बात चालू कर दी, हमको कौन सिखाने वाला है, हम तो खुद ही सीखे सिखाए हैं, हमारा कौन, क्या हम तो मैं स्वयं भगवान हूँ, मतलब भगवान हूँ वो एक अलग अपेक्षा है, लेकिन यहाँ मतलब ये कि मैं, मेरे को कोई बताने वाला नहीं, मैं तो स्वयं बुद्ध हूँ, मेरे कोई इष्ट देव वेव नहीं है, मैंने किसी सर्वज्ञ से नहीं सीखा है, मैंने अपने ज्ञान से ये सब प्राप्त किया है। तो इस प्रकार का जो अहंकार है वो भी नष्ट होता है, इसलिए अहंकार आदि के नाश के लिए, विनय के प्रदर्शन करने के लिए शिष्टाचार, वही शिष्टाचार के परिपालन के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए, निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए ये पूजा चरण किया जाता है। ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ संजोता जी बोलिए, क्या बोलना है? हाँ वही सर, वही, और कुछ जो मैंने बोला उसमें कुछ छूट गया हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं हो गया। चलो अब ये एडमिशन रूम से एक चीज फायदा होने लग गई अपने को कि जो लोग भी लेट आते हैं तो वो पता चल जाते हैं कि कौन कौन लेट आ रहे हैं। जैसे अभी इतनी बजे कोई लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं क्लास ज्वाइन करने, अब लेट आ रहे हैं, दो चार मिनट तक तो ठीक है लेकिन 40 मिनट तो मतलब अच्छी लेट है। यदि अपना वो प्लान नहीं होता तो अभी इस समय तक क्लास खत्म हुई होती। चलो आगे चलते हैं। अपन तो निज आत्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके
तो परमात्मा को नमस्कार करके हमने पूज्य पुरुषों के प्रति विनय, आस्तिकता और शिष्टाचार का परिपालन किया है और अपनी शक्ति अनुसार और मुमुक्षु पंडित क्या कताते हैं ये भी बता दिया। मंगलाचरण में ये भी बता दिया जाता है कि भाई हम क्या कहेंगे, तो बताया था ना उन्होंने, एक तो ग्रंथ मतलब इष्ट देव है उनका, उनको नमस्कार किया, एक तो इष्ट देव को नमस्कार किया था और जो आगामी विषय वस्तु है कि किस विषय का वर्णन करेंगे वो बताया जाता है। तो यहाँ ये स्पष्ट उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इस इष्टोपदेश को स्पष्ट समझाएंगे। टीकाकार का मंगलाचरण है तो टीकाकार ने ये बताया कि हम परमात्मा को नमस्कार करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार हम जो है इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को अपनी शक्ति अनुसार समझाएंगे, जितनी हमारी ताकत बन पड़ेगी उतनी अपनी पूरी ताकत लगा के इस ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट रूप से समझाएंगे। उसकी ग्रंथ की आदि में, अब देखो ये बहुत बढ़िया लिखा है, ये इसको थोड़ा संस्कृत पढ़ेगा कोई, किसी को संस्कृत आती हो तो पढ़ो, कौन पढ़ेगा उससे पढ़वाता हूं मैं जिसको भी संस्कृत पढ़ना हो, पढ़ना है, अर्थ नहीं पूछूंगा मैं बस, प्रॉमिस, इससे आगे नहीं जाऊंगा केवल। हाँ बोलिए कौन है, प्रश्न हाँ बोलिए। तत्रा तु यो यद् गुणार्थी स तद्गुणोपेतम् पुरुष विशेषम् नमोस्करोति इति परमात्म गुणार्थी ग्रंथकर्ता परमात्मनम् नमस्करोति तद्यथा। देखो तत्र आदो माने महा प्रारंभ में ही, यो माने जो, यद गुणार्थी जिन गुणों का अर्थी होता है, जिन गुणों को प्राप्त करना चाहता है, स माने वह पुरुष, तद गुण उपेतम उन गुणों से संयुक्त पुरुष विशेषम पुरुष विशेष को नमोस्करोति नमस्कार करता है। माने वहां प्रारंभ में ही बोल रहे हैं कि जो जिन गुणों का अर्थी होता है वो उन गुणों से सहित पुरुष को नमस्कार करता है। मेरे को यदि बहुत बड़ा यदि नेता बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो, तो मैं जो भी राजनीतिक पुरुष होंगे उनको नमस्कार करूंगा। यदि मेरे को बहुत बड़ा समझ लो किसी कंपनी का सीईओ बनना है तो मैं जो कंपनियों के अंदर बड़े बड़े लोग होंगे उनको नमस्कार करूंगा। यदि मेरे को क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेयर बनना है तो मैं क्रिकेट अच्छे खेलने वालों को नमस्कार करूंगा, उनकी चर्चा करूंगा। जो जिसका इच्छुक होगा वो वही करेगा ना, मेरा जो जैसे जो मेरे प्रिय होगा मैं वही व्यक्ति की बातें करूंगा। यदि मेरे को फिल्मी स्टार बनना है तो मैं वहां के हीरो हीरोइनों की दिन भर चर्चाएं करूंगा। तो अपनी अपनी रुचि का विषय लोगों चुन लेते हैं। तो ऐसे ही वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो जिसके गुणों का अर्थी होता है, जो जिन गुणों को प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति उस गुणों से सहित पुरुष को नमस्कार करता है। बराबर है बात, जो जिसकी जो इच्छा है दुनिया में ऐसे ही देखने में आता है, जो जिसका इच्छुक है वो उस व्यक्ति को उन गुणों से सहित व्यक्ति को नमस्कार करता है। तो हम यहाँ कौन से गुणों के इच्छुक है बताइए आप लोग, हम किन गुणों के इच्छुक हैं? तो यहाँ कहते हैं हम परमात्म गुणों के इच्छुक हैं, परमात्म गुणार्थी, हम परमात्म स्वरूप जो गुण है मतलब उत्कृष्ट परमात्मा के जो गुण है, अपनी आत्मा के गुण है, क्या हम उन परमात्म गुणों के अर्थी है, माने क्या है, अर्थी माने इच्छुक है, हम परमात्म गुणों की प्राप्ति के इच्छुक है, तो इसलिए हम किनको नमस्कार करेंगे? जो उन परमात्म गुणों से सहित होगा हम उस पुरुष को नमस्कार करेंगे। तो मुझे आज उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म अच्छे लगते हैं, वो उनमें उनका इच्छुक हूँ, मैं उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों की प्राप्ति का इच्छुक हूँ, मैं वीतरागता सर्वज्ञता की प्राप्ति का इच्छुक हूँ, मैं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर की प्राप्ति का इच्छुक हूँ, मैं रत्नत्रय का इच्छुक हूँ, क्या यदि मैं इन गुणों का इच्छुक हूँ तो मैं इन गुणों से संयुक्त जो पुरुष होगा उसको ही मैं नमस्कार करूंगा, और किसी को क्यों करूंगा और किसी की क्यों चर्चा करूंगा? बताओ, अपन दिन भर चर्चा करते हैं, गाय की चर्चा करते हैं, और ये साहब फलाने ने क्या भाषण दिया, तो तुमको बहुत बड़ा भाषण देने वाला बनना है? क्या क्रिकेट खेला हो, क्या चारों बॉल पे चार चौके जड़ दिए, तेरे को क्रिकेट का प्लेयर बनना है?
उसने उस फिल्म में क्या बढ़िया एक्टिंग करी, तेरे को फिल्म हीरोइन बनना है, क्या बनना है तुम ये विचार करो क्या बनना है। दिन भर जो आदमी जिसकी चर्चा कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसको वही चीज पसंद है, बस उतना ही उसका दायरा है। अब वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ परमात्मा गुणों के अर्थी है, तो हम तो जो परमात्मा है उसी की चर्चा करेंगे, हमको और कोई बात करना पसंद नहीं, हम दूसरी कोई दुनिया भर की रामायण नहीं बाचेंगे, हम केवल यदि चर्चा करेंगे तो हम जिन्होंने वो परमात्मा के गुण को प्राप्त किया है हम उन्हीं की चर्चा करेंगे और उन्हीं को नमस्कार करेंगे, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ग्रंथकर्ता है वो ग्रंथकर्ता भी चूंकि वो परमात्मा गुणों के अर्थी है इसलिए उन्होंने परमात्मा को नमस्कार किया है, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो परमात्मा गुणों को प्राप्त है। अनंत चतुष्ट आदि जो गुण है परमात्मा के गुण है और इन गुणों को प्राप्त किए हुए परमात्मा है, इसलिए ग्रंथकर्ता यहाँ लिखा देखो, इसलिए ग्रंथकर्ता परमात्मा नमस्करोति, परमात्मा को नमस्कार करता है। तद यथा वह इस प्रकार है, वो आगे बताएंगे परमात्मा को नमस्कार तो आगे है, अभी तो टीकाकार ने नमस्कार किया, ये तो टीकाकार का उत्थानिका है, मंगलाचरण की उत्थानिका है, टीकाकार द्वारा रची गई। क्या कहा उन्होंने उत्थानिका में कि वहां शुरू में ही मैंने ग्रंथ को प्रारंभ करने के अंदर पहले ही पहले मतलब सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं वो सबसे पहले जो जिसके गुणों का इच्छुक होता है वो तो उन गुणों से संयुक्त पुरुष विशेष को नमस्कार करता है। तो यहाँ परमात्मा गुणों के अर्थी ग्रंथकर्ता परमात्मा को नमस्कार करते हैं, वो इस प्रकार है। अब आगे ग्रंथकर्ता कहेंगे, देखो अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं, पर हिंदी को भी पढ़ लो, दीप्ति जी आप ही पढ़ लो इसकी हिंदी, उसकी 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 से उसकी ग्रंथ की आदि में जो जिन गुणों का अर्थी है वह उन गुणों युक्त पुरुष विशेष को नमस्कार करता है, इसलिए परमात्मा के गुणों के अर्थी ग्रंथ करता श्री पूज्यपाद स्वामी जी परमात्मा को नमस्कार करते हैं। ठीक है, स्पष्ट है एकदम। अब देखो आगे कर चलते हैं, ये पढ़ते हैं अपन सब, अपन सब मिलके पढ़ेंगे, पहले मैं संस्कृत में पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद आप लोग पढ़ना। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पढ़िए आप सब लोग एक सेकंड, आप पढ़िए भावे कर्मणे परमात्मने परमात्मने। अब एक सेकंड सुनो सब सब लोग शांति से एक साथ बोलना, पीछे का सब बैकग्राउंड बंद करो भैया, नो टॉकिंग प्लीज। यदि ग्रंथ की मंगलाचरण ढंग से सबको मिलके करना है तो पूर्वी जी बैकग्राउंड साउंड पूर्वी अंशुल झांझरी के बैकग्राउंड साउंड आ रहे हैं अभी सबके घर में काम दूसरे चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है। अच्छा टीवी चल रहा है, एक सेकंड के लिए चुपचाप बिल्कुल बोल प्लीज, इतनी की इतनी सी भी आवाज नहीं आनी चाहिए तो अपन ग्रंथ एक साथ बोल सकेंगे। कीर्ति जी म्यूटेड है, कीर्ति जी मौनम करोती मौनम धरोती, अंशुल जी शांति हो जाए एक सेकंड के लिए ना तो हम सब एक साथ बोल सके, हो गई शांति। अब किसी घर की खटपट आ गई, अभिषेक एक साल अच्छा जी सर अभी तो देख के बोल रहे हैं चुपचाप एक मिनट के लिए चुपचाप हो जाओ, आप देखो अपन करते हैं एक सेकंड, मैं बोलूंगा उसके बाद सब एक साथ बोलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं, मैं बोलूंगा उसके जस्ट बाद है। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी शुरू में तो इतना ही होएगा, अभी बाद में एक साथ अपनी आवाज बैठेगी, फिर अभी जितना हो गया उतना ही बढ़िया है। अब इसकी हिंदी पढ़ता हूँ मैं ना, हिंदी में सब लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, हिंदी से अपन एक साथ ही पढ़ते ना इसमें। एक मिनट, प्रगटा सहज स्वभाव, रूप परमात्मा को प्रणाम मिले प्रकाश। एक बार मैं बोलता हूँ, मैं आप लोग चुपचाप रहना, और फिर उसके बाद आप लोग बोलना जब मैं कहूँ तब, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक कुछ मत बोलना। सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरि नाश, ज्ञान रूप परमात्म को प्रण मूल मिले प्रकाश। हाँ, सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरि नाश, ज्ञान रूप परमात्म को प्रण मूल मिले प्रकाश। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये हुआ ना, मजा आया इसमें। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश, सहज स्वभाव प्रगट हुआ जिनके, और सारे कर्म रूपी शत्रु नष्ट हो गए, ऐसे ज्ञान रूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे मिले प्रकाश, मुझे भी ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हो। देखो अब अपन ये संस्कृत पढ़ते हैं। यस्य स्वयं, जिनके स्वयं स्वभाव आपति, स्वभाव की प्राप्ति होने पर, कृष्ण माने समस्त, कर्मणा माने कर्मों का अभाव होने पर, जिन्हें समस्त कर्मों के अभाव होने पर और स्वभाव की प्राप्ति हुई, तस्मै उन संज्ञान रूपाय ज्ञान रूप परमात्मा ने परमात्मा को, उन ज्ञान रूप परमात्मा के लिए नमोस्तु नमस्कार हो। जिन्होंने, जिनके समस्त कर्मों का अभाव होने पर स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई, ऐसे ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। दो बातें कही, समस्त कर्मों का नाश करके और जिनके सहज स्वभाव की प्राप्ति हुई, ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अन्वयार्थ, अन्वयार्थ कौन पढ़ेगा? अन्वयार्थ पढ़ो, राजेन जी आप पढ़ दो, अन्वयार्थ पढ़ना बस। जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार हो। यस्य माने जिनको, कृष्ण माने संपूर्ण, कर्मणा अभाव, कर्मों का अभाव होने से, जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव आपती, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन संज्ञान रूपाय माने ज्ञान रूप परमात्मा ने परमात्मा को नमस्तु नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्तु का अर्थ होता नमस्तु नमस्कार हो। जिनके समस्त कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है, उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को, केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। टीका, टीका भी पढ़ लो राजेश जी। हो क्या वह नमस्कार, किसको? उन परमात्मा को, अनारोपी अप्रतिहत अतिशय पने के कारण परम अर्थात सकल संसारी जीवों से उत्कृष्ट और आत्मा अर्थात चेतन वैसे परमात्मा को। कैसे परमात्मा को? सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को, सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने से अर्थात अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से तथा कर्मों के विनाश आदि से विकार के त्याग के कारण प्राप्त हुआ है संपूर्ण ज्ञान, स्वपर का ज्ञान, वही जिनका स्वरूप है उनको। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, हो क्या हो, क्या हो, हो माने हो क्या हो, क्या वन हो, नमस्कार हो, किसको नमस्कार हो,
उन परमात्मा को, है ना, परमात्मा को नमस्कार हो। तो कह रहे किस चीज के कारण नमस्कार उन परमात्मा को, कि अनारोपी अप्रतिहत अतिशय पने के कारण। अन आरोपी, आरोपी माने नया आरोप, माने नया कोई चीज कहीं से ला के डाली गई हो, और प्रतिहत माने जिसके ऊपर कोई, जिसका प्रतिहत माने जिसको कोई नष्ट कर सके, और है ना। तो अनारोपी माने नया कहीं से लाए नहीं है, स्वयं स्वभाव से हुई है, और अप्रतिहत माने उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, और अतिशय माने अत्यंत उच्च है, खूब है। ऐसे अनारोपी अप्रतियत अतिशय पने के कारण उन परमात्मा को नमस्कार। और कैसे, वे परम है, परम माने उत्कृष्ट, तो किन से उत्कृष्ट है, सकल संसारी, हाँ समस्त संसारी जीवों से वे उत्कृष्ट है, है ना। समस्त संसारी जीवों से उत्कृष्ट क्यों है, क्योंकि किसी भी संसारी जीव में वे विशेषताएं नहीं पाई जाती जो परमात्मा में पाई जाती है। सारे संसार के सारे लोग एक तरफ करो और एक समय का केवल ज्ञान एक तरफ रखो, क्या कीमत है उसकी बताओ। मैं तो कहता हूँ आत्मा के केवल ज्ञान की बात तो छोड़ो, अभी इस संसार की आबादी कितनी है, क्यों राजन जी कितनी आबादी है संसार की आबादी, तो संसार मतलब अभी मतलब कहने का संसार मेरा ये है जिसको आजकल की दुनिया, जिसको पूरा विश्व मान रही है, पूरा दुनिया, उसमें कितनी आबादी, उसमें 500-700 करोड़ होना चाहिए, 620 करोड़ है शायद लगभग कुछ ऐसी, 700-600 जितनी भी है, 700 करोड़ है। तो 700 करोड़ लोगों में एक भी परमात्मा तो छोड़ो है, अपनी जो 64 रिद्धि है उनमें से एक भी रिद्धि के भी गुणों की समानता नहीं कर सकते क्या, मैंने 700 करोड़ में से एक भी व्यक्ति में अवधि ज्ञान नहीं, सब परेशान है, 700 करोड़ दरवाजे बंद है, इतनी ताकत नहीं उनके कि दरवाजे के बाहर निकल जाए, कितनी होशियारी समझ ले, अरे हम कोई भगवान भगवान को नहीं मानते, हम किसी अनंत को नहीं मानते, किसी आचार्य उपाध्याय साधु को नहीं मानते, हम अपने आप में बहुत वो है, हमारा विज्ञान बहुत उत्कृष्ट है, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, सब कुछ कर लिया तुमने, लेकिन तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, बता तुम्हारी औकात क्या है, देख लो है? तुमको 2 सेकंड के अंदर और उसी साइंस के निमित्त से तुम अंदर हो गए, साइंस ने चमत्कार ही नहीं किए होते तो हमें वहां से कोई बाहर से यहाँ लाता ही नहीं, चीज ही नहीं आती वहीं की वहीं रहती, यहाँ क्यों आती, साइंस ने ही तो किए जिससे तुम घर में घुस गए, साइंस ने तुमको बाहर, तुम कह रहे हो साइंस से हम पूरी दुनिया में घूम आएंगे, मैं कहता हूँ दुनिया तो छोड़ो, तुम अपने घर में ही नहीं, घर के अंदर रह के बंद होके रह गए, तुम अपने मोहल्ले में ही नहीं घूम सकते, घूम सकते मोहल्ले, कौन कौन घूम रहा मोहल्ले है। तो इसलिए ये सब बातें हैं कहने की, भगवान जिनेन्द्र का स्वरूप तो बहुत उत्कृष्ट है, दूर रहे स्त्रोत्र आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष, पुण्य कथा ही किंतु आपकी हर लेती है कल, भगवान जिन्हें तो बहुत आगे की बात है। एक अवधि ज्ञानी मुनिराज भी यदि इस विश्व में होते तो बताए थे कि भैया ये इस रोग का ये उपचार है, ये रोग होने वाला है, इस तरह से फैल रहा है, सब बताते। एक अवधि ज्ञान नहीं, मना पर ये नहीं, केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, न कोई सर्वोषधि है, न जल्लोषधि है, न मल्लोषधि है, न पीडोषधि है, कौन सी औषधि है, कुछ नहीं है, एकदम सारे संसारी बिल्कुल इनकी कोई वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, ऐसे सारे संसारी जीव है। धन आदि संपदा कुछ भी हो उससे करे क्या हो, बताओ मेरे घर में सोना चांदी हो लेकिन क्या मेरे कम्युनिटी वाले मेरे को सोना चांदी लेके घूमने देंगे, कहो मिल लो ये देखो इससे क्या होगा है। धन सोना चांदी ये सारी चीजें अपने सब व्यर्थ है, निष्फल, आपका उदय आने पर ये कुछ काम नहीं आती है, ये अपन देख ही रहे। तो इसलिए सारे संसारी जीव तो बहुत हीन है, बेचारे पीड़ित हैं,
दीनहीन दीन भयो, दीन है बेचारे जन्म जरा मरण से पीड़ित, रोग से पीड़ित, जरा जरा से भय से पीड़ित। अभी अखबार में एक जीरो ज्यादा छप जाए, इंदौर में हजार पीड़ित, हजार की जगह एक जीरो ज्यादा छप जाए, 10,000 पीड़ित, सब्जी खाना भी बंद कर दिया क्या? ऐसे तो भयभीत है, जीवन मरण से भयभीत, जन्म से भय, मतलब जीवन बेचारे चले नहीं जाए, रोग नहीं आ जाए, बीमारी नहीं आ जाए, पैसा नहीं चले जाए, सुबह से शाम तक आकुलित चित्त जीव, संसारी जीव की कोई वक्त नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, अरे अनंत सिद्ध तो दूर, आचार उपाध्याय भी संसारी जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। तो भगवान जिन्हें कैसे परम है, अर्थात सकल संसारी जीवों से उत्कृष्ट है। हम बच्चों को सबसे पहला पाठ पढ़ाते हैं, पहला चैप्टर, पहला लेवल। किस किसने पढ़ा पहला लेवल अपने इतने सारे क्लास में? पहला लेवल किस किसने पढ़ा? बाल बोध भाग एक, अर्पिता जी आपने पढ़ा है, चलो अच्छा है, आपसे पूछ लेता हूँ। चत्तारी मंगल पाठ याद है, आता होगा अर्पिता जी को, ऐसा नहीं है? चत्तारी मंगल पाठ बोलो अर्पिता जी, उसका सेकंड स्टैंजा। चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। इसके आगे, इसके आगे चत्तारी लोगुत्तमा अरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामी अरियंते शरणम पवज्जामी सिद्धे शरणम पवज्जामी साहू शरणम पवज्जामी केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामी। इसमें जो बीच वाला है उसका अर्थ बता दो। चत्तारी लोगुत्तमा वाला, संसार में चार ही उत्तम है लोक में, मतलब बहुत बढ़िया। अरियंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु उत्तम है, और केवली भगवान द्वारा प्रणीत जिन धर्म ही उत्तम है। अरे वाह, आपने पाठशाला पढ़ी है कहीं पे? हाँ सर, पहले पढ़ रखी है पाठशाला। कहाँ पे? भवानी मंडी में सर। भवानी, बहुत अच्छा है, अच्छा है, जब उसी लिए ज्ञान है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, कई लोगों को अभी ये भी नहीं पता होगा, नहीं तो इतने भी ऐसे होंगे अपने स्टॉक देश पढ़ने वालों में भी एकाध हो सकते हैं। नहीं मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब हो सकता है, नहीं कोई हो जरूरी नहीं है, लेकिन सबको याद हो। तो इसमें जो बीच वाला है ना, बीच वाला एक बार अर्थ क्या कहा आपने कि संसार में लोक में चार उत्तम है। उत्तम किसको कहते हैं? उत्तम बताओ मेरे पिताजी, जो सबसे अच्छा हो। हाँ, जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। क्या हो? जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। तो सबसे महान कौन है? चार है, चार ही है, बस यही बताना। लोक में सबसे महान ये चार ही है, इनके चार के अलावा और कोई महान नहीं है। समझ में आया ना? अनंत भगवान लोक में सबसे महान है, सिद्ध भगवान लोक में महान है, और साधु अर्थात आचार्य उपाध्याय सर्व साधु महान है, और अनंत भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म लोक में सबसे महान, सबसे महान ये। हम जो दुनिया में लोगों को महान मान रहे हैं, कोई ताकत नहीं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, या दुनिया में कोई कुछ भी हो, ये कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे जैसे सामान्य मनुष्य है। पुण्य का उदय किसी के थोड़ा कम ज्यादा होता है तो वो राज्यपद आदि को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये सब जन्म जरा मरण से पीड़ित लोग हैं, मोह राग द्वेष कषाय से दुखी है, विषयों से पीड़ित है, मिथ्यात्व अज्ञान से जन्म जरा मरण से पीड़ित है। एक नहीं है, कुछ अंतर है इनमें, बताओ क्यों अर्पिता जी? हाँ सर, ये कुछ अंतर अलग है अपने से कि अपने जैसे ही है? ये परमेष्ठी तो अलग है, बाकी तो परमेष्ठी का नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अरे आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनिए, आप किन किन के नाम लिए थे मैंने पहले इसके? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन लोगों। हाँ, ये सब लोग संसारी जीव है ना, अपने समान है कि कुछ अंतर है? नहीं, अपने समान ही है सर, अभी पुण्य उदय उनका ज्यादा चल रहा है और क्या। हाँ, क्या क्या समानता है अपने में उनमें? वो भी संसारी है, अपन भी संसारी है और क्या। और संसारी की अपेक्षा क्या क्या समानता है? नहीं याद है सर। जैसे मैंने बताया था अभी हाल ही तो बोला मैंने, देखो ये राजेंद्र जी बोलेंगे, राजेंद्र जी बोलिए। जन्म मरण से संयुक्त है, राग द्वेष से संयुक्त है। हाँ, और मोह से संयुक्त है, मिथ्यात्वी है। हाँ, अज्ञान से युक्त है, अज्ञानी है, ज्ञान से कोई केवल ज्ञान नहीं किसी को, कोई जन्म जरा मरण है, संसार चार गति में घूम रहे हैं, मिथ्यात्व रागादि दोषों से लिप्त है, पंचेंद्रिय भोगों से पीड़ित है, इच्छाओं से पीड़ित है, कषाय से पीड़ित है, ये सब चीजें हैं कि नहीं अर्पिता जी? यस सर। बस तो ये सब समान है उनमें हमें, कोई विशेष अंतर
नहीं है क्या, इसलिए वे सब संसारी है जितने भी है सब। अरे सोधन इंद्र भी क्या है, सोधन इंद्र शेषनाद इंद्र आखिर है तो भी संसार में, भले ही सम्यक भी हो गया, इन सब संसार में है सारे के सारे। जितने भी इस संसार के अंदर आज पंचम काल में जीव है सब संसारी जीव है, सबके सब सब संसारी जीवों से भगवान कैसे उत्कृष्ट है, तो ऐसे उत्कृष्ट परमात्मा को नमस्कार किया। और कैसे, और आत्मा अर्थात चेतन, और कैसे भगवान कैसे है, चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप है माने ज्ञानानंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को हमने क्या किया है, नमस्कार किया है। मतलब चेतन रूप परमात्मा को, ज्ञानानंद रूप परमात्मा को नमस्कार किया। और कैसे परमात्मा, कैसे परमात्मा को नमस्कार किया, कि जो सम्यक ज्ञान रूप है, कैसे है सम्यक ज्ञान रूप, भगवान का जो है ज्ञान वो दो प्रकार से बहुत अच्छा है। दो कौन सी अच्छी बातें, एक तो वो सच्चा है और वो पूर्ण है। क्या अच्छी बातें उसमें, दो है, वो सच्चा भी है और पूर्ण भी। हमारा ज्ञान कैसा है, एक तो है भी मिथ्या और अपूर्ण है, हम गलत जानते हैं और जो पूरा तो जानते ही नहीं हम, और जितना जानते हैं वो भी उठपटांग आधी अधूरी जानते हैं, उल्टे से उल्टा जानते हैं। जैसे सात तत्व के बारे में हम पूर्ण स्वरूप नहीं जानते, और जो जान रहे हैं उसका भी हमारे को पूरी तरह से मतलब उसमें भी सत्यता पूरी नहीं है, उसमें भी मिथ्या बना, सच्चा नहीं जानते और पूरा नहीं जानते। और भगवान पूरा पूरा जानते हैं और सच्चा जानते हैं, जैसा है वैसा जानते और पूर्ण रूप जानते। तो सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को जिन्होंने सम्यक प्रकार से माने सही रूप से, सही सही रूप से सब पदार्थों का क्या किया है, साक्षात्कार किया है, माने सब पदार्थों को वो प्रत्यक्ष देखते हैं। कौन, भगवान जिन्होंने, जैसे अभी हम अपनी इंद्रियों द्वारा किसी का साक्षात्कार करते हैं ना, ऐसे भगवान अपने केवल ज्ञान द्वारा लोक और अलोक को पूरी तरह से साक्षात्कार माने साक्षात देखते हैं। हमारे इंद्रियों से तो फिर भी इतना स्पष्ट नहीं दिखता, उससे अनंत गुना स्पष्ट भगवान जिनेंद्र अपने ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं और सर्व पदार्थों को जानते हैं, और सर्व पदार्थों की केवल वर्तमान अवस्था को जानते हैं, तीनों काल की अवस्था को जानते, क्यों अर्पिता जी, तीनों अवस्थाओं को एक साथ जानते हैं, तीनों काल की अवस्थाओं को, सब अवस्थाओं को एक साथ, माने उनका पूरा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों को जानते हैं, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को भी जानते हैं। सूक्ष्म पदार्थ में क्या है, कौन बता, सूक्ष्म पदार्थ में क्या कहलाते हैं, देखो भगवान द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, चारों अपेक्षा से भगवान जानते हैं, सूक्ष्म पदार्थों को भी जानते हैं। हाँ बोलिए आशा जी। सूक्ष्म पदार्थ मतलब परमाणु। हाँ परमाणु को भी जानते हैं, बहुत बढ़िया, छोटे से छोटे परमाणु, हाँ छोटे वही परमाणु तो सबसे छोटा ही है, पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा है परमाणु, तो भगवान उसको भी जानते हैं। और क्षेत्र से क्या है, सूक्ष्म, काल से सूक्ष्म क्या है, भाव से सूक्ष्म क्या है, उसको जिसको भगवान जानते हैं। बोलो तरुण। क्षेत्र से दूरवर्ती, जैसे कि अपन जम्बू द्वीप में मतलब जो भी सुमेरु पर्वत और नंदीश्वर द्वीप ये सब नहीं जान सकते, वो सभी क्षेत्र से दूरवर्ती भी जान सकते हैं सभी। हाँ। का अपने को यहाँ से अमेरिका दिख रहा है क्या आपको? नहीं नहीं नहीं। चाइना? नहीं, चाइना तो पास में ही दिख रहा होगा ऊपर से, थोड़ा आजकल धुआं हुआ भी हट गया है। नहीं नहीं। अच्छा तो अपन दूर, थोड़ी दूर को नहीं जान पाते हैं, और भगवान पूरा अधोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक सबको जान रहे हैं, अलोक को भी जान रहे हैं, क्षेत्र से दूर को जान रहे हैं। और काल, काल से दूरवर्ती जैसे या भविष्य में जो होगा या भूत में जो हो चुका है, जैसे कि राम रावण सीता इन सब को नहीं जान सकते। राम रावण को कौन जानता है, कोई आप में से कोई जानता है कि राम रावण को, क्यों किसी ने राम रावण की कहानी, राम रावण को देखा था क्या किसी ने? सुमन जी आपने देखा हो कभी इनकेस? नहीं किसी ने नहीं देखा। तो हम ना राम रावण को जानते हैं, भूतकाल में जो घट चुके हैं, घट चुके लोग हैं, ना राम को देखा हमने ना श्री कृष्ण को देखा, 24 तीर्थंकरों में से किसी को नहीं देखा,
भगवान देख रहे हैं कि नहीं सबको देख रहे हैं और भाव की अपेक्षा सूक्ष्म क्या है हाँ? भाव 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 की अपेक्षा सूक्ष्म क्या है भाव की अपेक्षा की वो सारी पर्यायों को जानते हैं सही है और जो गुणों के अंदर जो सूक्ष्म परिणमन भी है जैसे गुणों में जो अविभाग प्रतिच्छेद है तो उन अविभाग प्रतिच्छेद को भी वो क्या कर रहे हैं जान रहे हैं ठीक है अविभाग प्रतिच्छेद माने गुणों का जो छोटा से छोटा हिस्सा है उसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद जैसे अब दूध में कितनी चिकनाई है तो ये अपने को जो है कितनी चिकनाई है एग्जैक्ट ये अपन बिना मशीन के नहीं पता कर सकते ना जैसे कोई भी चीज के अंदर कितना गंध है कितना रस है कितना वर्ण है कितना स्पर्श है जैसे अभी आत्मा में मेरे ज्ञान में इनके ज्ञान में कितना अंतर है एग्जैक्ट कितना अंतर है कितने डिग्री का अंतर है भगवान इन सब डिग्रियों को भी क्या करते हैं जानते हैं किसके अंदर किस गुण में कितने अविभाग में कितने अंश खिले हुए हैं और कितने अंश प्रकट नहीं है वो सब उन गुणों की भी छोटी छोटी अवस्थाओं को भी भगवान जानते हैं मैंने सब कुछ जानते हैं कहने का मतलब है भगवान समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते हैं तो सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से तथा कर्मों के विनाश आदि से भगवान के तीनों कर्मों का विनाश हो गया तीनों कौन कौन से अरे तीन कर्म तो नाम सबको मालूम होंगे ना हाँ बोलिए प्रीति जी द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म ये तीनों का थोड़ा सा स्वरूप भी बता दो यदि मालूम हो तो द्रव्य कर्म भाव कर्म तो उनके मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है और द्रव्य कर्म आठों कर्मों का मतलब उनका नाश हो गया है और शरीर आदि नौ कर्म उनका भी मतलब उनका अभाव हो गया बहुत बढ़िया इस प्रकार से तीनों बताए द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्मों के विनाश आदि से और विकार के त्याग के कारण माने सारे मोह राग द्वेष का विकार भी त्याग हो गया है तो इन सब के त्याग के कारण प्राप्त हुआ है संपूर्ण ज्ञान क्या प्राप्त हुआ है पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है स्व और पर का स्व को भी जानते हैं पर को भी जानते हैं स्व पर सबको जानते हैं वही जिनका स्वरूप है ऐसे उन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं इस प्रकार आराध्य का माने परमात्मा का स्वरूप कहकर अब उसकी प्राप्ति का उपाय कहते हैं अभी तक क्या बताया था परमात्मा का स्वरूप बताया अब परमात्मा की प्राप्ति करना है कि नहीं करना है बताओ कि केवल परमात्मा का स्वरूप ही जानना है कि अपने को खुद को भी सबको परमात्मा बनना है कि बस परमात्मा को नमस्कार हो भगवान आपको नमस्कार हो भगवान कह रहे हैं हम तेरे को अपने जैसा बनने का उपदेश देते हैं नहीं 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 वो नहीं आपके जैसा नहीं बनना है आपको तो बस नमस्कार हो आपको नमस्कार तो हमें परमात्मा बनना है कि केवल परमात्मा को नमस्कार करना है भक्ति करनी है कि भगवान जैसा बनना भी है बताइए आप लोग अपने विचार रखिए इसके लिए एक मिनट के लिए कोई नहीं किसी के हाथ खड़े नहीं हुए इसमें हाँ बोलो अमन बोलो सर आपने पूछा ना परमात्मा बनना है उसके लिए नहीं है सर अब कुछ क्वेश्चन के लिए सर क्या था हाँ बोलो क्या क्वेश्चन नहीं सर क्वेश्चन आपने पूछा था ना ऐसा उसका क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि हमें केवल परमात्मा को नमस्कार करना है कि परमात्मा बनना भी है सर बनने के लिए मतलब हाथ उठाया था ना ऐसा बनने के लिए तो परमात्मा बनने के लिए अपन ने किया परमात्मा बनना है अपने को ठीक है परमात्मा क्यों बनना है ताकि सारे ये जो दुख है उन सब से मुक्त होके पूर्ण सुख को प्राप्त करें पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें ठीक है बराबर बराबर हाँ अखिलेश जी बोलिए अनारोपी का क्या मतलब बताया था सर आपने अनाहत अनारोपी किसका
अनारोपी अप्रतिहत था ना, अनारोपी माने कहीं से आरोपित नहीं है, कहीं से लाया गया नहीं है, वो स्वभाव सरल स्वयं से प्रकट हुआ है। और अप्रतिहत माने उसका कोई प्रतिहत माने हत हत नहीं कर सकता, हता नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा परम अतिशय है। ऐसा जो ज्ञान आदि गुण प्राप्त हुए हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं और कभी नाश नहीं हो सकते। और यहाँ निकल परमात्मा को नमस्कार किया, यहाँ अनंत को भी है एक अपेक्षा से, क्योंकि चार द्रव्य कर्मों का और भाव कर्मों का नाश हो गया उनके लिए, उनको इसलिए केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति तो उनको भी इस अपेक्षा से परमात्मा उनको भी खा ही जाता है ना, इसलिए उनको भी नमस्कार। सर्व कर्म के अभाव से, हाँ समस्त कर्मों के अभाव की अपेक्षा सिद्ध है, और चार घात्या कर्म ही अपने लिए तो मुख्य है, इसलिए उनके अभाव की अपेक्षा से अनंत भगवान को भी नमस्कार। चलो आगे चले अपन, ठीक है। अब अपन कल अपन ये पढ़ेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है, अभी अपन यही रखते हैं, ठीक है ना। कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन, आज कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के, सब समझ में आ गया सबको, परमात्मा बनने का उपाय कल प्राप्त होगा तो खैर। हाँ चलो, पूर्वी ने कुछ पूछा है, पूर्वी बोलो। मंगलाचरण का पूछना था मुझे, बोलो ना जो भी पूछना है। मतलब अलग अलग मंगलाचरण कौन से, किसके लिए, जो प्योर हिंदी वाला है वो किसने लिखा है? प्योर हिंदी वाला तो जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया ने, या और किसी ने लिखा है? अनुवाद किया है एक्चुअल में, हिंदी अनुवाद, हिंदी जो मंगलाचरण है वो तो संस्कृत मंगलाचरण का अनुवाद है वो। अच्छा, मतलब तीन मंगलाचरण है बेसिकली? नहीं तीन नहीं, दो है, एक तो देखो क्या, एक तो ट्रांसलेशन चल रहा है, ट्रांसलेशन कोई लिखा नहीं गया है, दो मंगलाचरण है, एक तो ग्रंथकर्ता का और टीकाकार का, टीकाकार का अनुवाद कर दिया, जैसे हिंदी में ग्रंथकर्ता के भी मंगलाचरण का अनुवाद किया है, जैसे चार हो जाएंगे नहीं तो फिर हिंदी देखोगे तो दो ही है ना, दो का है, दो हिंदी अनुवाद है और क्या। ये सारी गाथाएं भी ऐसी चलेगी क्या, कि एक जो आचार्य ने लिखा वो, फिर संस्कृत टीका, फिर थर्ड वाला हिंदी, देखते ना। देखो आप तो ये समझो कि आपको संस्कृत समझ में नहीं आ रही इसलिए अपन हिंदी पढ़ रहे हैं, मूल तो दो ही चीज है, संस्कृत ग्रंथ है आचार्य का और उसके ऊपर पंडित आशा दर्जी की टीका है, और वो सब चीजों को हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, ठीक। और कोई, हाँ अशोक जी बोलिए। ये हमारे पास जो किताब है साहब, पहले ये पढ़ी हुई है, पर इसमें अन्वय टीका संस्कृत में है पूरी, और अर्थ दिया फिर विशदार्थ दिया हुआ, ठीक है वो भी बराबर है, ये अलग अलग इसमें हिंदी का तो दिया ही नहीं है, इसमें हिंदी में टीका नहीं है, जैसे जो अभी अपन कर रहे हैं ना वो हिंदी, ये सब चीजें है ही नहीं। संस्कृत आपको संस्कृत ही पढ़ना है क्या, तो मैं वो पढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी पढ़ना हिंदी पढ़ना, अब इसलिए हिंदी पढ़ रहे हैं अपन अच्छे से, ठीक है। चलो अपन जिनवाणी स्तुति करके समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमू सदा दे तुम।